पुष्कर की जेएमएस पब्लिक स्कूल में बुधवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों के लिए पानीपता से चाट पकौड़ी और स्टेशनरी सहित विभिन्न स्टॉलें लगाकर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन किया गया। इससे पहले स्कूल स्टाफ की ओर से अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाल मेले में पहुंचे अभिभावकों और अतिथियों के मनोरंजन के लिए मंच संचालनकर्ता की ओर से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे गए और सही उत्तर देने वाले को पारितोषिक दिए गए। स्कूल पुष्कर में मेला उद्घाटन है, मेला मनाया जा रहा है। उसके काफ़ी सारी हमने स्टॉल्स लगाई हैं, गेम्स की हैं, फन एंड गेम्स हैं, ईटिंग स्टॉल्स हैं। जैसा कि आपको जानते हैं, लेडीज़ को मोस्टली स्पेयर टाइम नहीं मिलता है अपने लिए स्पेयर करने, जस्ट उनके एंटरटेन के लिए हमने कुछ करने का प्रयास किया है। सर, यह है जस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए। आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली और इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि लोग लिटरली भूल गए हैं जीना किसे कहते हैं। तो बस वही है सर, इसके माध्यम से यही सिखाया जा रहा है कि जितना आज के समय में पढ़ाई जरूरी है, उतना ही फिजिकल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। आजकल शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पैरेलल होने चाहिए। राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरव धाम पर 25 दिसंबर गुरुवार को मनोकामना स्तंभ की 12वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे हवन पूजन के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा और 11 बजे पूर्णाहुति के साथ मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा शुरू होगी। राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरवधाम स्थित मनोकामना स्तंभ के 12वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री सैन सेवा समिति द्वारा बुधवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के जोनल ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैन समाज के 51 युवाओं ने अपने रक्त का दान किया। इससे पूर्व टीबी अस्पताल में भर्ती मरीजों को सैन सेवा समिति द्वारा फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। टीबी हॉस्पिटल में सबसे पहले तो फल वितरण का कार्यक्रम था, उसके बाद अभी 51 यूनिट ब्लड डोनेट किया है हमने यहाँ जेएलएन में। ये सब भैरवधाम राजगढ़ में जो अपने मनोकामना स्तंभ है उसकी 12वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्री सैन सेवा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है।